क्या हाल चाल है? पढ़ाई हो रही है या मस्ती चल रही है? और मस्ती चलती रहेगी। लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना कि अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और नहीं हो रहा है ना, थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हैं, करके देखिए, 10 मिनट ही देखिए, 10 मिनट ही करिए, फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन मेडिटेशन करते समय किसी और का ध्यान मत करने लगिएगा, क्योंकि जब आप आँख बंद करते हैं ना मेडिटेशन के नाम पे, ठीक है, तब दुनिया भर की चीज़ें जो है ना आने लगेंगी। मतलब ये इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब जो ख्याल आपके मन में कभी नहीं आता शायद नॉर्मली, वो भी आने लगेगा। ठीक है, तो मेडिटेशन, लेकिन अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10 मिनट डेली करते हैं तो अच्छा रहेगा। और अगर ये भी नहीं है ना, तो वॉक किया करिए। ठीक है, जस्ट वॉक फॉर योर सेल्फ, वॉक फॉर योर सेल्फ। और ये वॉकिंग ये नहीं कि मतलब वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं, ना 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 ना, वॉकिंग का मतलब खुद के लिए है। गाना लगा सकते हैं कान में, बट खुद के लिए। चलिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं क्या, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, इसके पहले जब शुरुआत में हम बायोडायवर्सिटी का चैप्टर शुरू कर रहे थे, तभी बताए थे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और उसी समय मैं बोल रहा था कि इम्पोर्टेंस हम अगर अपने हिसाब से देखते हैं, तो जब हम डायरेक्ट बेनिफिट जहाँ से डिराइव करते हैं, तो हमको लगता है कि ये तो हमारे काम का है, डायरेक्ट बेनिफिट है। डीबीटी जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है ना भाई, तो जैसे डीबीटी ट्रांसफ़र हो रहा है, वैसे यहाँ पे भी बात हो रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट अगर हम किसी नेचुरल इकोसिस्टम से, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वहाँ से यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे है फॉरेस्ट प्रोड्यूस है भाई, और उसके अलावा जो फल फ्रूट हैं, पानी है, सब कुछ डायरेक्ट बेनिफिट है। अदर स्पीसीज जिनको हम खाते हैं, जैसे फिशेस हो गई, ठीक है, फिश फिश की स्पीसीज हो गई ना, इसके अलावा जो अदर जितनी भी स्पीसीज आपको दिख रही है प्लांट और एनिमल की, जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बेनिफिट डिराइव करते हैं, तो वो तो हमारे काम के दिख रहे हैं सीधा सीधा। लेकिन उन स्पीसीज का क्या जिनका डायरेक्ट हमारे लिए यूटिलाइजेशन नहीं है? तो यहाँ पे एक तो मीनिंग ये है कि भैया हम इसी के बेसिस पे हमारा एग्जिस्टेंस मेंटेन है, मतलब सर्वाइवल हमारा डिपेंड है। ठीक है, आर सर्वाइवल, ठीक है, और एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन दिस, समझ रहे कि नहीं, डिपेंड ऑन दिस बायोडाइवर्सिटी। तो फिर इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं आता कि क्यों हमको कंजर्व करना है भाई, हमारा एग्जिस्टेंस इसी के ऊपर डिपेंड है, तो हमको तो कंजर्व करना पड़ेगा ना। और एग्जिस्टेंस डिपेंड कैसे है, इसका जो नैरो यूटिलिटेरियन पॉइंट है, या नैरोली यूटिलिटेरियन पॉइंट है, यूटिलिटेरियन पॉइंट का मतलब होता है जो सबके लिए फायदेमंद की चीज़ हो, सबके लिए बेनिफिट दे रहा हो, तो नैरोली पॉइंट मतलब ह्यूमन की बात कर रहा है केवल। ये बहुत ही सेल्फिश एस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है, बहुत ही सेल्फिश, मतलब ये केवल और केवल ह्यूमन अपना सोच रहा है। जैसे आज का आदमी बहुत सेल्फिश है ना, आज का नहीं, बहुत पहले का, हमेशा आदमी सेल्फिश रहा है। और नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा, थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी है, ठीक है, थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी है। उन्होंने बोला था एवरी मैन और एवरी ह्यूमन आर सेल्फिश बाई नेचर, समझ रहे हैं ना, बाई नेचर सेल्फिश होते हैं हम। हाँ, उसमें कुछ अच्छे निकल आए, अच्छे कैरेक्टर आपने डेवलप कर लिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा नेचर मोर और लेस सेल्फिश नेचर होता है, और हमने देखा भी है, आपने भी देखा होगा शायद। ठीक है, आप भी किसी के लिए सेल्फिश रहे होंगे या होंगे, ऐसा नहीं है, हम दूसरे को जज जल्दी करते हैं ना, खुद को हमको नहीं जज करना आता है, खुद के लिए हम बायस्ड रहते हैं। तो एनी वे, नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो व्यू कहते हैं ना, बड़ा बड़ी छोटी सोच है यार इसकी, ऐसा सुने हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे। तो जैसे हम मतलब सोच के लिए बोल देते हैं, अरे यार बड़ा तुच्छ दिमाग का आदमी है, बड़ी सोच छोटी सोच है। आज के समय में जहाँ पे दुनिया चांद चांद के ऊपर जा रही है, दूसरे ग्रह पे कदम रखने की बात हो रही है, और ये जो है फंसे पड़े हैं कि लड़कियों को हम पढ़ने नहीं देंगे, लड़कियों को हम बाहर नहीं निकलने देंगे, लड़कियों को डॉक्टर नहीं बनने देंगे, लड़कियों को ये नहीं करने देंगे, लो भाई। तो ये सोची छोटी बात हो गई ना, जात पात को लेके, कास्टिज्म को लेके जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो है पड़ी हुई, वो नैरो माइंडेडनेस ही है वो। ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे थॉट हैं, ठीक है, कल्चर के पार्ट जो हैं पहले चलते आ रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है, फिर भी वो नैरो माइंड ही है। सो यहाँ पे वैसे ही क्या है, नैरोली यूटिलिटेरियन का मीनिंग ये है कि जो हम अपने लिए खाली सोच रहे हैं, जैसे अभी बताया मैंने, ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये वर्ड ध्यान में रखना है, डायरेक्ट,
ठीक है, फ्रॉम द नेचर, फूड सीरियल पल्स फ्रूट, ठीक है, फूड फायरवुड हो गया, फाइबर हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे टैनिन हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, डाइज हो गई, रेजिन्स हो गया, परफ्यूम्स हो गया, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जैसे हमने कुनैन और बाकी चीज़ें निकाली, रेसरपिन हो गया, सिंकोना से कुनैन हो गया, इसके अलावा जितना भी है सब कुछ, ये डायरेक्ट बेनिफिट हम ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है, नैरो है। क्यों? क्योंकि हम खाली अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स करेंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स, एंड ये याद रखना है पॉइंट आपको, कितना, मोर देन 25%, 25 को 52% मत बोल दीजिएगा, एंड 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज बाई दी नेटिव पीपल्स अराउंड दी वर्ल्ड। नेटिव पीपल का मतलब जो जनजातीय लोग होते हैं ना, जो ट्राइबल्स पीपल होते हैं, मोस्टली मोस्टली आदिवासी में भी सारे मतलब लोकल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ इंडिजिनस ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, सो उनकी बात कर रहा है, तो उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है ना, उनको पता होता है, उनको उसका मेडिसिन का वो कंपोजिशन नहीं पता है भाई, लेकिन उनको ये पता है कि सांप काटेगा, कोबरा काटेगा, तो इसको हमको पिलाने से, इसका जूस पिलाने से ठीक हो जाएगा, या कुछ और चीज़ हो गई, डैमेज हो गया, चोट लग गई है, तो वो उसकी हीलिंग के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा पत्ता पीस के रख देंगे, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। सेम इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं, और ये नॉलेज किसके पास है, जो ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, जो इंडिजिनस ट्राइब्स होते हैं ना, इंडिजिनस ट्राइब, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, जनजातीय लोग, जनजातीय लोग जो होते हैं, ट्राइबल, जिनको हम आदिवासी बोलते हैं एक्चुअली में, समझ रहे हैं कि नहीं, आदिवासी, आदिवासी। सो इसमें भी मैक्सिमम जो होते हैं आपके इंडिजिनस हो सकते हैं, लेकिन माइग्रेटेड भी रहते हैं, सो कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो नॉलेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज। और इसके लिए सोचिए गवर्नमेंट ने वो किया है, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है भाई, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ पे जितना भी हमको मेडिसिन के बारे में ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, हम पूरी डिटेल जो है ना यहाँ पे कर रहे हैं। रीजन क्या है कि जो टर्मरिक का इशू हुआ था ना, टर्मरिक के पेटेंट का इशू, ठीक है, टर्मरिक के पेटेंट का इशू अमेरिका ने किया था, लफड़ा, ठीक है, उसमें ये बवाल हुआ, तब से बायोपायरेसी कर रहा था ना वो, हाँ बायोपायरेसी, तब से ये चीज़ हो रही है, क्लियर है। नो बडी नोज हाउ मैनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स देयर आर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। ने बताया भाई, 1.5 मिलियन स्पीसीज ही ओनली नोन एंड डिस्क्राइब्ड है, इसके अलावा रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग भी जो है ना, केवल 22%, मतलब 78% स्पीसीज अभी कुछ पता ही नहीं है, तो उसमें अगर हम सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस दे दें कि मेडिसिन के लिए, तब भी बहुत है ना भाई, मेडिसिन पर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई प्लांट मिल जाए जो कि उसका यूटिलाइज करके हमको कॉस्ट जो है रिड्यूस करा दे और सबके लिए अवेलेबल हो जाए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये बाकी है अभी, विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेस पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भैया जो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्सप्लोर करें, जैसे एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। मतलब हम कह रहे हैं ना कि भाई हम एक्सप्लोरेशन पर्पजफुली कर रहे हैं, कि हम एक्सप्लोर इस जंगल का कर रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइंड अ मेडिसिनल प्लांट, और वी कैन फाइंड अ प्लांट विच हैव दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपोनेंट या केमिकल कंपोजिशन विच कैन हेल्प टू द एड्स पेशेंट, विच कैन हेल्प दी कैंसर पेशेंट, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे जो हम चीज़ें करते हैं प्रॉपरली पर्पजफुली, और वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए, इसको हम बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, समझ रहे कि नहीं। अरे प्रोस्पेक्टिंग हर जगह होता है भाई, कोयला की खदान को जब ढूंढा जाता है ना, तो उसमें भी जियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग होती है, कहाँ पे खान इसकी मिलेगी कहाँ नहीं, चलता रहता है स्टडी। ये नैरो वाला पॉइंट था, ठीक है, जिसमें हम केवल और केवल अपने बेनिफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन पॉइंट क्या आर्ग्यू करता है, ये आर्ग्यू करता है कि भाई इको सिस्टम जो है ना बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मतलब है, बायोडाइवर्सिटी इको सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए, इको सिस्टम सर्विसेज जो हमको मिल रही हैं उनके मेंटेनेंस के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और मेजर रोल प्ले करता है तो हमको पूरे इको सिस्टम को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ठीक है, ना कि खाली अपने बेनिफिट के लिए हम सोच के करें,
और उन्हीं स्पीशीज को सोचें बस, ठीक है? तो हमको पूरे इकोसिस्टम के बारे में सोचना है, और इकोसिस्टम के बारे में जब सोचेंगे तो हम सारी स्पीशीज के ऊपर जो है फोकस कर सकते हैं। वन सेकेंड, समझ रहे हैं ना? सो जैसे आज के समय में देखिए, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, हमारे धरती का फेफड़ा है, लंग्स है, ठीक है? लंग्स ऑफ दी अर्थ प्लैनेट। अमेजन रेन फॉरेस्ट एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ऑन दी अर्थ एटमॉस्फियर। तो इस फैक्ट को ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये एस्टिमेशन कितना है? 20%। 20% टोटल जो हमारी ऑक्सीजन है अर्थ एटमॉस्फेयर की, उसका 20% अराउंड अमेजन रेन फॉरेस्ट कर रहा है। इसीलिए इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं ना भाई, लंग्स ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट अर्थ। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे हवा में नहीं चीजें होती हैं। ओके, कैन बी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन दिस सर्विस बाई नेचर। देखिए क्या है ना, इकोनॉमिक वैल्यूएशन हम अभी तक नहीं किए हैं, हालांकि करने की कोशिश में है, ठीक है? करने की कोशिश में है, ठीक है? इकोसिस्टम जो इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, ठीक है, नेचर से हमको इकोसिस्टम सर्विसेज जो होती है ना, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, एक कोस्टांजा थे साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था। इकोसिस्टम सर्विसेज को डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज में डिवाइड किया गया, हमको यहाँ पढ़ना नहीं है अलग से, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? बाद में इसी को कि इकोसिस्टम जो सर्विसेज हमको नेचर से मिल रहे भैया, इस पे ना कॉस्ट इन्वॉल्व किया जाए, कॉस्ट लगाया जाए कुछ, अगर उसके बेनिफिट को हम, मतलब अगर इकोसिस्टम सर्विसेज से जो बेनिफिट मिल रहा है इसको अगर हम जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे ना, तो हमको पता नहीं चलेगा कि लॉस क्या हो रहा है, ठीक है? तो इनके बेनिफिट को जीडीपी में ऐड करना है और इनके लॉस को जीडीपी से माइनस करना है, देन ओनली वी कैन रियलाइज कि मतलब नुकसान हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यू कैन गेट सम आइडिया ऑफ फाइंडिंग हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल्स स्पेंड ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। सी, नेचर में हमको ऑक्सीजन इतना दे रहा है अमेजन रेन फॉरेस्ट, और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर, और इसका पता कोविड के टाइम पे सबको लगा होगा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं थी, उसकी वजह से खाली आदमी मरा है थोक के भाव में। पॉलिनेशन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट। सी, पॉलिनेशन जो नेचर में हो रहा है, इसकी वजह से हमको कुछ नहीं मिलेगा। जो हम गेहूँ खाते हैं, गेहूँ चावल और सारी चीज़ें हो रही हैं ना, या मान लीजिए कि जो फ्रूट्स हैं जिसमें पॉलिनेटर, मान लीजिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो इनको मान लीजिए छोड़ दीजिए, इसमें पॉलिनेटर रहे चाहे ना रहे, लेकिन लेकिन इसमें सीड बनेगा। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, क्रॉस, ठीक है, मतलब एक प्लांट ए से दूसरी स्पीसीज, एक ही स्पीसीज A1 है, यहाँ से ये जा रहा है, इस केस में अगर पॉलिनेटर का लॉस हुआ, पॉलिनेटर का लॉस हो गया, जैसे बीज हैं, बम्बल बीज हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, बैट से भी पॉलिनेशन होता है, पता है कि नहीं? चिरप्टेरोफिली बोलते हैं, ठीक है, चिरप्टेरोफिली। सो इन सब चीज़ों से अगर जो भी चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो फायदे हो रहे हैं हमको, अगर इसको हम कंसिडर कर ले कि भैया अगर हमको फ्रूट ही नहीं मिलेगा, या फ्रूट का जो हम कॉस्ट देखते हैं उससे लिंक अप कर सकते हैं। ये बस दिया है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचिए बस इसके ऊपर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एकॉम्प्लिशिंग पॉलिनेशन विदाउट द हेल्प ऑफ नेचुरल पॉलिनेटर्स। ये देख लीजिए कि नेचुरल पॉलिनेटर का यूज बिना किए हुए जो कॉस्ट इनकर हो रहा है पॉलिनेशन करवाने में, तो उससे भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। इट्स जस्ट एस्टिमेशन, अभी रियल में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है? देयर आर इनटेंजिबल बेनिफिट। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल का मतलब जो हमको दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई डांस कर रहा है, कोई रास्ते में या स्ट्रीट पे डांस करते हैं ना, स्ट्रीट डांस कुछ भी, आप देख के बहुत खुश हुए, ठीक है? यू फेल्ट वेरी हैप्पी, एक्चुअली वेरी हैप्पी। आपका मूड बहुत सैड था और अचानक से आपने देख के, हाँ, यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है डोपामिन रिलीज हो गया, और डोपामिन रिलीज करने के बाद आपका जो मूड है वो हैप्पी हो गया, एमाइग्डाला जो है बिल्कुल एकदम से चकाचक हो गया, क्लियर है? हैप्पी इमोशन आ गए। ये इनटेंजिबल बेनिफिट है, और ये होने के बाद भी, सोचिए ये होने के बाद भी आप 1 रुपया नहीं देते हैं, आप गाली साइड से निकल लेते हैं, जबकि देखना था तो खड़े होकर देख रहे थे, समझ रहे हैं ना? तो आपने बेनिफिट तो डिराइव कर लिया, ये मत कहिए कि हमको क्या हुआ, हमने पूछा थोड़ी था, नहीं भाई, बेनिफिट आपने डिराइव किया। इफ यू फेल्ट हैप्पी यू हैव डिराइव द बेनिफिट। सेम ही चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई लेक है, डल लेक है, वुलर लेक है, आप जाइए वहाँ पे शिकारा में घूमिए,
शाम के टाइम पे देखिए इवनिंग, क्या मस्त इवनिंग है। या पूरा जो आप वहाँ पे जितना भी आप वेस्टर्न घाट में चले जाइए, महाराष्ट्र में, लोनावला में, पुणे में, इधर उधर जहाँ पे भी जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जन चले जाइए, जितनी भी घाटियाँ हैं उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर में चले जाइए, आपको देख देख के वहाँ पे जो एस्थेटिक सुकून मिलता है ना, एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, इसकी वैल्यू को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और कंपेयर भी करेंगे तो सोचिए कि यही एस्थेटिक व्यू के लिए आप अगर पैसा आपको देना हो तो जाते नहीं हैं आप फॉरेन कंट्री में या कहीं पे सीनिक ब्यूटी के लिए, स्विट्जरलैंड जाते हैं, ट्रेन का ट्रैवल करते हैं, ठीक है, सोचिए कितना कॉस्ट आप देते हैं, वही कॉस्ट जो है यहाँ पर भी है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे कि नहीं। जो आप जंगल में घूमते हैं बहुत बढ़िया फीलिंग आती है, ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, अगर सारे इकोसिस्टम का ही पार्ट है ना, अगर उनका डैमेज आप करते हैं तो सोचिए कितना लॉस होता है। सो यहीं पे आता है कि मतलब क्या हम इनके ऊपर प्राइस टैगिंग लगा सकते हैं। देखिए लगाना पड़ेगा, हम सोच रहे हैं, ठीक है, लगाना पड़ेगा बाबू, आज नहीं कल लगाना पड़ेगा, और लग ही रहा है दूसरे तरीके से। टूरिज्म टूरिज्म जो बना रहे हैं, टूरिज्म सेंटर्स, तो क्या टूरिज्म सेंटर पे आप जाते हैं तो फ्री में चले जाते हैं ना भाई? आपके यहाँ इंट्री के लिए यहीं पे क्या होता है, पास होता है, चाहे टोल टैक्स तरीके से लगा दें, चाहे जैसे भी लगा दें, यहाँ से इंट्री करेंगे तो आपको एक टिकट देंगे, आपको उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वापस आएंगे तो ये, ठीक है, और बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो क्यों किए जा रहे हैं, ये कॉस्ट ही तो है, समझ रहे हैं, नहीं कॉस्ट ही है और क्या है। एथिकल ग्राउंड क्या है, द एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड व्हाट व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स स्पीसीज विद होम वी शेयर दिस प्लैनेट। कहने का मतलब भैया, हम जैसे एक जानवर हैं, हम जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, धरती पे रह रहे हैं, वैसे दूसरे प्राणी भी हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एथिकल आर्ग्यूमेंट बस यही आ रहा है कि भाई हम अगर अपने लिए सोच रहे हैं तो हमको दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए, सीधी सी बात है, ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। इससे अगर हम करते हैं तो वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रेंसिक वैल्यू, खाली हमारी वैल्यू नहीं है भाई, सबकी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू है, हम किसी को डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी को डाउनग्रेड नहीं कर सकते, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू है, और उस वैल्यू का कंसिडरेशन ही एथिकल आर्ग्यूमेंट है, इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करेंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, मतलब वही डायरेक्टली बेनिफिट बेनिफिशियल है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबकी अपनी वैल्यू है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे सबकी अपनी वैल्यू, हम खैर छोड़िए छोड़िए छोड़िए, वहाँ नहीं जाते हैं। वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बींग एंड पास ऑन बायोलॉजिकल लिगेसी इन गुड ऑर्डर टू द फ्यूचर जनरेशन। तो ये वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये वहाँ पे ला दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें, अभी तो हम बोल दिए कि क्यों करें, ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया हमने, नैरोली देख लिया और क्या देख लिया, ब्रॉडली देख लिया और एथिकल ग्राउंड पे भी देख लिया, और अच्छे खासे डिटेल में देखा है, ठीक है, अच्छे खासे डिटेल में। अब हम करेंगे कैसे, मतलब कंजर्व करेंगे कैसे, तो दो मेजर है एक्चुअली में, इन सिटू कंजर्वेशन होता है और एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है ये, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि एक सिटू में आता क्या, इन सिटू में क्या आता है। इन सिटू का मतलब इन प्लेस मतलब जहाँ पे जो चीज़ है, मतलब हैबिटेट में ही, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट में ही उस पर्टिकुलर स्पीसीज को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना इज इन सिचू कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया, नेशनल पार्क्स बना दिए हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये इन सिचू के पार्ट है। ऐसे ही एक आता है सैक्रेड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सैक्रेड ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ये भी क्या है, इन सिचू में है, ये एक्चुअली में ट्राइबल लोग जो होते हैं ज़्यादा फॉलो करते हैं सैक्रेड ग्रुप, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन को, जंगल में या किसी एरिया है कोई, उसको कहते हैं भैया ये सैक्रेड एरिया है, यहाँ से कोई पेड़ कटना नहीं चाहिए, और वहाँ पे उनकी पूजा होती है, ठीक है, जंगल देवता कह के या जो भी देवी देवता होते हैं उनको कह के, कंसिडर करके वो पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लिटरली प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इन सिचू कंजर्वेशन का मतलब हो गया क्या, इन प्लेस आर ऑन साइट, इन प्लेस आर ऑन साइट, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ओके, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है और कुछ। हाँ, दे आर आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन
बैड डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, मतलब यहाँ पे हम जब इन सीचू कंजर्वेशन करने के लिए ही जो हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ ना कंट्री में, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, नॉर्मल मेयर ने इसका टर्म यूज किया था। और ये ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पे स्पीसीज को बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है, स्पीसीज के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है। ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पे 70% जो पॉपुलेशन है ना वो लॉस हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, 30% बचा है, और केवल 1500 जो है ना वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज बची रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। हाँ, मतलब मिलजुल के हैं, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली अलोन अलोन। तो एक तो हिमालय हो गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय दोनों, नहीं हो गया ना भाई। उसके बाद वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट, ठीक है, सुंडालैंड के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद क्यों कौन सा हो गया आपका, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, अंडमान निकोबार वाला एरिया सुंडालैंड के साथ, और ये जो वेस्टर्न घाट है ये श्रीलंका के साथ है। ठीक है, तो ये 4 रीजन है, आप थोड़ा सा इमेज देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में। ठीक है, समझ रहे ना, रीजन्स विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, एंड अ हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है, और इंडेमिज्म भी बहुत होता है। तो इंडेमिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडेमिज्म का मतलब इंडेमिक स्पीसीज, या इंडेमिज्म का मतलब होता है कि इस एरिया में अगर ये स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज ये जो है ये अगर पाई जाती है तो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाएगी। बस यही है इंडेमिक स्पीसीज का मतलब, कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करना ही क्या है, इंडेमिज्म है। ठीक है, वो स्पीसीज कहीं और जो होती है नहीं पाई जाती है। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। कुछ कुछ स्पीसीज इंडिया के लिए इंडेमिक हो सकती हैं, ठीक है, इन कंपेयर टू होल वर्ल्ड। कुछ स्पीसीज जो होती है इंडिया के लिए नहीं, कुछ स्पीसीज क्या होंगी, किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कुछ स्पीसीज वेस्टर्न घाट में ही केवल पाई जाएंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं पाई जाएंगी। कुछ स्पीसीज आपको ईस्टर्न हिमालय में ही मिलेंगी, कुछ स्पीसीज आपको जो है ना आपको कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न घाट पे ही मिलेगा केवल, ठीक है, कुछ स्पीसीज आपको इधर साइड में मिलेंगी केवल। तो ये क्या है, इंडेमिज्म है, ऐसे इंडेमिज्म, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं वहाँ पे स्पीसीज रिचनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, इंडेमिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन हॉटस्पॉट को जो हम डिफाइन करते हैं ना, तो जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, समझ रहे हैं नहीं। उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पे मोर देन 70% स्पीसीज जो है ख़त्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लॉस हो चुकी हैं, और ओनली 15%, 2% और 1500 वैस्कुलर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि हाई इंडेमिज्म देखने को मिलता है और हाई स्पीसीज रिचनेस। क्लियर, इनिशियली 25% ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड, बट सब्सिक्वेंटली 9 मोर, मतलब आज के समय में देखें तो 36 टोटल हो गया है, लेकिन हम अभी 34 कंसिडर करके चल रहे हैं, 36 शायद हो चुका है, ठीक है, या अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन 34, देर आर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन टूडेज टाइम। ठीक है, और इंडिया में इसमें 4 हैं एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 नहीं मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ 3 मिलेगा, एक जो है नहीं दिया हुआ है। कौन सा नहीं दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, देखिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आज के समय में कितने हैं, 34, तो ये याद रखना है। दीज हॉट स्पॉट्स आर ऑल्सो द रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, सी दिया ना, डैमेज थ्रेट, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस हो रहा है यहाँ पे। थ्री ऑफ दीज हॉट स्पॉट्स आर, मतलब जितना हमारे कंट्री में पाया जा रहा है इसमें से वेस्टर्न घाट हमने बता दिया, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक साथ आता है, एक, ठीक है, इंडो बर्मा जो होता है दूसरा, इंडो बर्मा मतलब बर्मा म्यांमार वाला रीजन, और आपका नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला रीजन, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। एंड हिमालय टोटल, पहले केवल ईस्टर्न हिमालय की बात करते थे, अभी हम पूरे हिमालय को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा सुंडालैंड है, सुंडालैंड जो इंडिया में, इंडिया के हॉट स्पॉट में कंसिडर किया जाता है, ये चौथा है। सुंडालैंड में क्या आता है, हमारा अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में है, और यहाँ से फिर प्लस इंडोनेशिया का जो ये सुंडा वाला एरिया है, स्टेट सुमात्रा जावा वाला जो एरिया है वो सब, ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर होना चाहिए। सो ये यहाँ पे ना बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑल दो ऑल दी बायोडाइवर्सिटी, मतलब टोटल जितने 34 हैं उसकी बात कर रहा है,
कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जितने भी है 34, उनको अगर एक साथ कर दिया जाए तो उनका लैंड एरिया जो होता है 2% का है टोटल, लेकिन स्पीसीज डाइवर्सिटी जो पूरी वहाँ पे पाई जाती है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दी हैबिटेट कुड रिड्यूस दी ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाई दी ऑलमोस्ट 30%। अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले रीजन को प्रोटेक्ट करें ढंग से, तो जो ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन चल रहा है ना, जिसको हम सिक्स मास एक्सटिंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, वो 30% से रिड्यूस हो सकता है, 30% से रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, हमने बता दिया, नेशनल पार्क हमने बता दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने बता दिया, ठीक है। इन इंडिया देर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व, ये पुराना डेटा है लेकिन एनसीईआरटी का डेटा है, नई वाली बुक का तो ध्यान में रखिएगा, 19 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ज़्यादा है, इतने नहीं है। इंडिया हैज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट इम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, इन मेनी कल्चर्स ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड, ठीक है, ये बताया ना मैंने, जो लोकल लोग होते हैं प्रोटेक्शन के लिए वो पूजा उजा करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको सेक्रेट ग्रुप्स बोला जाता है। जैसे ये कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, खासी एंड जयंतिया की खाली पहाड़ियों में, जो कि मेघालय में है, ठीक है, अरे गारो खासी जयंतिया तीन पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, ऐसे गारो खासी जयंतिया, ठीक है, ऐसे मेघालय वाला एरिया में गारो खासी जयंतिया, तो खासी और जयंतिया हैं बेसिकली सेक्रेट ग्रुप जो होता है ज़्यादा है, ठीक है, समझ रहे हैं। अरावली हिल जो है राजस्थान में, यहाँ पर भी है, वेस्टर्न घाट में तो है ही है, ठीक है, कर्नाटका में एंड महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सरगुजा में, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के क्या बोलते हैं सरगुजा, सरगुजा में, ठीक है, अरे यार गड़बड़ हो रहा है ना, ये है सरगुजा तो अलग है ना आपका, छत्तीसगढ़ वाला एरिया, कहाँ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, ओके, ये है वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे है अरावली हिल राजस्थान, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में हमने बताया ना टोटल 6 स्टेट कवर करता है, गुजरात से लेके कहाँ तक आता है, तमिलनाडु तक आता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, केरला हो गया एंड तमिलनाडु हो गया। तो ये बोल रहा है कि कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, गोवा तो छोटू सा है बिल्कुल इधर, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है, मतलब सेक्रेट ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत जगह है, हर जगह जंगल में है, लेकिन जहाँ पे मेजर है नाम लिखा हुआ है, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर रीजन किसका, मध्य प्रदेश का, ठीक है। इन मेघालय द सेक्रेट ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज, क्लियर है कि नहीं, ओके। दूसरा है एक्सिजू कंजर्वेशन, सिंपल सा बात है, जो कि हम क्या करते हैं ऑफ साइट पे करते हैं, मान लीजिए ऑन साइट पॉसिबल नहीं है कंजर्व करना, तो हम उसको कहाँ लाते हैं, ऑफ साइट लाते हैं भाई। जैसे हम ब्रीडिंग हमको करवाना है किसी का, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मतलब हमको नेचर में नहीं हो पा रही है, उनको हमको सेपरेट करना पड़ेगा, तो ब्रीडिंग के लिए हम एक पर्टिकुलर प्लेस पे उनको उनके नेटिव प्लेस से हटा के उनके जो इन प्लेस है ऑन साइट से जंगल से निकाल के हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क्स को बनाने का पर्पज यही था बाबा जी, नेशनल पार्क्स हो गया, जूज वगैरह हो गए, ठीक है, जू हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे ये होता है नेशनल क्या बोलते हैं, बोटेनिकल गार्डन हो गए, नेशनल पार्क्स नहीं, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क्स तो आपका इन सीचू में आ जाएगा, बोटेनिकल गार्डन हो गया, ठीक है, जर्म प्लाज्म सेंटर हो गया, ठीक है, जीन बैंक्स हो गया, जीन बैंक्स जहाँ पे हम जीन्स को इकट्ठा करने का वो करते हैं, सीड बैंक्स हो गया, पॉलन पॉलन जहाँ पे इकट्ठा करते हैं फ्यूचर के लिए, हर चीज़ क्या है, ये एक्स सिचू है, ठीक है, ये क्या है, एक्स सिचू है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है आपको इन दिस अप्रोच, थ्रेटेंड थ्रेटेंड। तो जैसे ये कैप्टिव ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट सुने कि नहीं, कैप्टिव ब्रीडिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब हम कैप्चर करके मतलब अपने कंट्रोल में करके ब्रीडिंग करवा रहे हैं, उसको कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं। तो ये कुछ जो साइट्स होते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग जो होता है ना, किसमें आता है, ये भी एक्सिजू कंजर्वेशन का स्ट्रेटजी है एक्चुअली में, ठीक है। सो इन इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवेन ए स्पेशल केयर, जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, पार्क्स लिखा है, ठीक है, सर्व दिस पर्पज, देर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन इन दी जूलॉजिकल पार्क्स, मतलब जंगल में ख़त्म हो चुके हैं लेकिन हमने जूलॉजिकल पार्क्स में मेंटेन किया हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में क्या करें,
जब यहाँ पे नंबर बढ़ जाएगा तो इनको फिर से जंगल में इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे हम अभी अफ्रीकन चीता ले आए थे ना नामीबिया से, लेकिन सर्वाइव शायद कर नहीं पाए हैं अभी फिलहाल। और ऐसे ही जैसे गोरखपुर में रामगढ़ ताल है ना, वहाँ से यूएसए से ना अमेरिका से हमने डक मंगवाई थी, डक लाइट येलो कलर की डक थी टाइप। और एक दिन हम देखे थे बहुत सारा पॉपुलेशन मंगवाया गया था, नंबर ज़्यादा था, लेकिन हम एक दिन देख रहे थे कुछ टहल रही थी, हमने वीडियो भी बनाया छोटा सा, ठीक है, मतलब ख़त्म हो गई, मर गई, सर्वाइव नहीं कर पाई। सो जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम उनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इन रिसेंट ईयर्स एक्सीच्यू एक्सीच्यू कंजर्वेशन हैज़ एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीसीज इन एनक्लोजर्स, न्यू गैमिट्स, सी न्यू गैमिट, नाउ 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 नॉट न्यू, नाउ गैमिट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, सी थ्रेटन्ड स्पीसीज के गैमिट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनके जीन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, समझ रहे ना, गैमिट को कर देंगे और बाद में क्या करेंगे, समझ रहे ना, बाद में फर्टाइल कंडीशन में उनको क्या करेंगे, प्रोड्यूस करवा सकते हैं हम, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में करते क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, क्या किसका यूज़ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। इसका टेम्परेचर जो लिक्विड टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, सोचिए ये लिक्विड होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है, इतने हाई प्रेशर पे जब हम इसको ले जाते हैं ना, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और कितना टेम्परेचर रहता है उसका, लिक्विड नाइट्रोजन का, -196, समझ रहे ना, तो इस पे रखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो भी चीज़ रखते हैं एकदम से इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, समझ रहे ना। उसके बाद जब यहाँ से हमको यूज करना होगा इसको, तो फिर यहाँ से बाहर निकालेंगे इसको, थॉइंग करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे और फिर इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं। सो ये भी किया जा रहा है, ठीक है। सवल बाढ़ का नाम सुने ही है, सवल बाढ़, ठीक है, आप जो उधर है नॉर्दर्न, क्या बोलते हैं, नॉर्वे वाला, स्वीडन वाला एरिया जो है वहाँ पे, मतलब हम ऐसे जो बर्फ़ है ना, बर्फ़ के नीचे ऐसे किलोमीटर किलोमीटर नीचे जाके यहाँ पे सीड इकट्ठा कर रहे हैं, पूरी दुनिया भर से जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं, थ्रेटेंड हैं चाहे जो भी हैं, सब रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो बाई चांस अगर कोई ऐसा डिजास्टर आता है बहुत बड़ा, तो कम से कम इतनी प्लांट की वहाँ पे सीड रहे कि जब वहाँ तक पहुँचेगा चीज़ ना डैमेज होते होते, तो फिर वहाँ से सीड रिलीज होंगे नेचर में और ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि गैमिट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, सॉरी, गैमिट्स को हम क्या कर रहे हैं आज के समय में, गैमिट्स को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उनको फर्टिलाइज करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे हम बेबी पैदा करने के लिए IVF करते हैं ना, वैसे ही। एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपागेटेड यूजिंग दी टिश्यू कल्चर मेथड। तो टिश्यू कल्चर मेथड भी क्या आ जाएगा, एक्सिच्यू कंजर्वेशन का मेथड है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेंथ्स ऑफ कॉमर्शली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन दी सीड बैंक। सब नाम ले लिया हमने भाई, ठीक है। ये लास्ट लैप है, बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है, देयर इज नो बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज तो हमने बनाई ना भाई, नेचर में थोड़ी बाउंड्री है। एंड कंजर्वेशन इज देयर फॉर अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल नेशंस, इसीलिए UN बनाया गया था, ठीक है, कि भाई किसी एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपनी डाइवर्सिटी बचा के रखते हैं, तुम भाई अपना देख लो ना, हम अपनी बचा के रखेंगे लेकिन दूसरों को भी बोलेंगे भैया बचा के रखो, नहीं दिक्कत करेगा, ठीक है। जैसे पोल्यूशन होता है ना, एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन पता चला हम कर रहे हैं और हवा के साथ आपके घर में घुस रहा है, हम यहाँ धुआं जलाएं आपके घर में घुसा तो आपको परेशानी होगी ना, समझ रहे ना, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो इसी के लिए कन्वेंशन एक साइन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, कब हुआ था, 1992 में, ठीक है। इसको अर्थ समिट बोलते हैं, CBD नाम ध्यान रखिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कहाँ कब हुआ था, 1992 का जो अर्थ समिट था उसी के अंदर में ही हुआ था, और भी था इसमें, लेकिन हम अभी बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो CBD जो होता है, CBD का कॉन्सेप्ट कब आया था, ठीक है, अर्थ समिट में, जिसको रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, अर्थ समिट, और इसी में CBD का कॉन्सेप्ट आया था, मतलब एक बनाने के लिए, कि मतलब हमको कन्वेंशन लाया गया था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है फ्यूचर में, ठीक है। 1992 में अर्थ समिट हुआ था, कॉल्ड अपन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, ठीक है। और इसी के फॉलो अप में क्या हुआ, वर्ल्ड समिट हुआ किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कब हुआ, 2002 में, 1992 से 2002 में, 10 साल के बाद, ठीक है, 92, 8, 10 साल हो गया ना। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग में हुआ, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 190 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और कमिट किया था
जो भी चीज़ हम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कब तक अचीव कर लेंगे, 2010 तक कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है, हुआ नहीं, समझ रहे कि नहीं। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल लेवल रीजनल लेवल। तो ये प्लेस था कि 2010 तक हम ये करेंगे, भाई हम काफ़ी रिड्यूस कर देंगे, फिर भी ऐसा नहीं है, अच्छा खासा बढ़ाया है, अच्छा खासा एक्सटिंक्शन हो रहा है और चल रहा है प्रोसेस। और जब तक ग्रीड मेंटेन रहेगी, जब तक ग्रीड मेंटेन रहेगी, जब तक सेल्फिशनेस मेंटेन रहेगी, तब तक ये चीज़ होती रहेगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही, हमने कंजर्वेशन भी पढ़ लिया, मतलब बायोडाइवर्सिटी, और पूरा इकोलॉजी का सेक्शन ख़त्म हो गया है, और हम सारी वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। ओके, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं, छोटा छोटा टॉपिक ही करेंगे, मतलब ऐसे ही आधे घंटे की वीडियो मैक्सिमम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए यार, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, चैनल को थोड़ा सा तो बढ़ाइए, सपोर्ट करिए थोड़ा।